नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं आपके अपने चैनल अनलॉक किर्गिस्तान पर एक नया सेगमेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसमें हम आपको कंप्यूटर से जुड़ी वो सभी जानकारी देने की कोशिश करेंगे जिससे कंप्यूटर पर काम करने में आपकी ज़िंदगी थोड़ा आसान हो जाए। तो शुरुआत एक ऐसी तकनीक से जो आज के वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी किसी भी ऑडियो वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कैसे करें। आपको टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम बताएंगे एक ऐसी ट्रिक कि बस एक क्लिक और काम पूरा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। हो सकता है आपके कंट्रोल पैनल में आइटम आपको कुछ इस तरह ना दिखाई दे, तो आपको कैटेगरी पर जाकर क्लिक करना है और स्मॉल आइकन या फिर लार्ज आइकन पर क्लिक करें। अब यहां आपको ऑप्शन मिलेगा साउंड का, इस पर क्लिक करें तो पहला जो टैब आपको दिखाई देगा वो है प्लेबैक का, जिससे कि आपको पता चलता है कि आपका साउंड आउटपुट कहां से आ रहा है, लेकिन हमें फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा टैब है वो है रिकॉर्डिंग का। जब हम रिकॉर्डिंग वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो हमें यहां माइक्रोफोन दिखाई देगा, लाइन इन दिखाई देगा और स्टीरियो मिक्स का ऑप्शन दिखाई देगा। अभी फिलहाल हमारा माइक्रोफोन एक्टिव है, बाकी दोनों लाइन इन और स्टीरियो मिक्स एक्टिव नहीं है। अभी हमको करना ये है कि स्टीरियो मिक्स को अनेबल करना है और माइक्रोफोन को करना है डिसेबल। तो उसके लिए हम स्टीरियो मिक्स पर करेंगे राइट क्लिक और अनेबल पर करेंगे क्लिक, तो हमारा स्टीरियो मिक्स हो जाएगा अनेबल। और फिर ऐसे ही माइक्रोफोन को हम यहां से कर देते हैं डिसेबल, ताकि जो हमारे बाहर की आवाज़ है वह उसको रिकॉर्ड ना करे। और एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब आप किसी भी वीडियो से साउंड रिकॉर्ड कर लें, आपका काम पूरा हो जाए, तो दोबारा से रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में आकर यहां से माइक्रोफोन को आपको अनेबल करना होगा, नहीं तो आपका माइक्रोफोन वर्क नहीं करेगा। तो अब इसको कर देते हैं ओके और ओपन करते हैं गूगल क्रोम, और यहां पर टाइप करना है talk.new। ये एक शॉर्टकट है गूगल डॉक को खोलने का। तो यहां पर गूगल डॉक ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, जाना है टूल्स के ऑप्शन पर और टूल्स के ऑप्शन में वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, आपका वॉइस टाइपिंग ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस दिखाई देंगे, आपको जो लैंग्वेज चूज करनी है वो कर सकते हैं। मैं फिलहाल हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ और साथ में ओपन कर लेते हैं YouTube और कोई भी एक वीडियो। मैं यहाँ पर अपना चैनल अनलॉक किर्गिस्तान ओपन करता हूँ और किसी भी एक वीडियो पर क्लिक करता हूँ। तो यह वीडियो हमने प्ले किया और साथ में हमने यह रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी। अब देखिए यह वीडियो प्ले हो गया और रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। जो वीडियो का साउंड है मैंने स्पीकर से म्यूट कर रखा है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि इस वीडियो में जो भी शब्द बोले जा रहे हैं वो खुद ब खुद यहाँ पर टाइप हो रहे हैं। आप इस वीडियो को अलग से प्ले करके सुन सकते हैं कि ऑडियो और टेक्स्ट मैच हो रहा है या नहीं। हाँ, हो सकता है कहीं कहीं आपको करेक्शन करना पड़े, तो आप इस डॉक को बाद में एडिट कर सकते हैं। अब अगर मैं सेम वीडियो को इंग्लिश टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि ऑडियो मेरा है हिंदी, तो ऐसा नहीं कि ये हिंदी ऑडियो को ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में, ये सिर्फ उसको एज इट इज टाइप करेगा इंग्लिश में, यानी कि रोमन लैंग्वेज में। आशा करता हूँ कि जो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि काम खत्म होने के बाद दोबारा एक सिंपल स्टेप करना है, कंट्रोल पैनल में जाइए, अपने साउंड के ऑप्शन पर जाइए, रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में, यहाँ पर स्टीरियो मिक्स को आपको कर देना है डिसेबल और माइक्रोफोन को कर देना है अनेबल, तो आपका सिस्टम आपकी पुरानी सेटिंग्स पर वापस आ जाएगा। ओके, इस तरह से आप अपने जो वीडियो हैं उसमें से टेक्स्ट ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। तो है ना कितनी बढ़िया ट्रिक। अगर ऐसी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको और भी सीखनी है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए आपको क्या सीखना है। हर हफ्ते कोशिश करूंगा आपको एक नई ट्रिक सिखाने की। तब तक सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करते रहिए।